हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयंता क्लासेस। आई एम शिवम पांडे एंड इन टूडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 3rd ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी प्लांट किंगडम। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू चैप्टर्स, चैप्टर 1st द लिविंग गॉड एंड चैप्टर 2nd बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई हैव मेड वीडियोज ऑन क्वेश्चंस ऑफ द लिविंग गॉड एंड सून यू विल गेट क्वेश्चन वीडियोज आप चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द वीडियोज अपलोडेड हियर। फ्रेंड्स, माय एम इज टू हेल्प पुअर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन हायर इंस्टीट्यूशन। सो प्लीज सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट एज मैक्सिमम एज यू कैन। Then start our chapter, Plant Kingdom. So first, you should take your NCERT book with you before watching the video. We must stress here that our understanding of the plant kingdom have changed over time. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classifications placed them in the same kingdom. हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देनी चाहिए, गौर करना चाहिए कि हमारे जो प्लांट किंगडम को समझने की ठीक जो प्लांट किंगडम के प्रति समझ थी, ठीक है, हम पहले इसको जिस तरीके से लेते थे वह समय के साथ बदल चुकी है, ठीक है, वह बदल चुकी है या बदल रही है। फंगाई, ठीक है, और मुनरा प्रोटिस्टा जो पहले सेलवाल होने के कारण किंगडम प्लांटी में रखे गए थे, ठीक है, उन्हें अब हटा दिया गया है, उन्हें अब यहाँ से हटा दिया गया है, उन्हें उनके अलग ग्रुप फंगाई मुनरा प्रोटिस्टा में रखा गया, जो भी ऑर्गेनिज्म से सेलवाल के कारण जिनको यहाँ पे प्लांटी में रखा गया था। क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला क्लासिफिकेशन था वह क्या था कि लिनियस ने किया था, ठीक है, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया, प्लांटी एनिमल या दो किंगडम बनाया। प्लांटी में सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेलवाल थे, बस एक सिमिलरिटी के आधार पर सेलवाल था, तो उनको सभी को क्या किया, एक साथ प्लांटी में रख दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि फोटोसिंथेटिक है या नहीं, यूनिसेलुलर है या नहीं, मल्टीसेलुलर है या नहीं, और प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, कुछ भी नहीं देखा, केवल सेलवाल प्रेजेंट जिसके अंदर सेलवाल थी उसके उस पर रख दिया। ये भी नहीं देखा कि सेलवाल किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है या काइटेन से बनी है। तो इस वजह से फंगाई मुनरा और प्रोटिस्टा भी किंगडम प्लांटी में आ गए थे। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो प्लांट किंगडम में केवल उन्हें रखा गया जिनमें ग्रीन पिगमेंट था, जिनकी सेलवाल सेलुलोज से बनी हुई थी। काफी कैरेक्टर्स को देख करके उन्हें क्या किया गया, प्लांट किंगडम में रखा गया। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड स्पर्म्स अंडर प्लांटी। इसलिए पहले जो साइनोबैक्टीरिया था जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, अब वह एल्गी नहीं रह गया, क्योंकि रखा गया था किसके बेसिस पर, सेलवाल के बेसिस पर। बट साइनोबैक्टीरिया जो है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वह क्या है, स्पेशली प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स वाले ऑर्गेनिज्म को हमने मुनरा में रखा, इस वजह से अब वो क्या है, यहाँ से हट गया। तो इस चैप्टर में हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 के बारे में पढ़ना है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी के क्या खास लक्षण हैं। द किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ऑल प्लांट्स कंटेन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल दैट पोज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। किंगडम प्लांटी जो है, यहाँ पर सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। सभी प्लांट्स में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिक डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन वाली, दो झिल्ली वाली ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है और उसको क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं। दे आर यूजुअली ऑटोट्रॉफिक। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं वे क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, स्वपोषी हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और उसी के कारण जो प्लांट्स हैं वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उसी की मदद से पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। द सेलवाल्स पोजेज मेनली सेलुलोज।
सिलवाल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, क्योंकि सिलवाल जो होती है वह सेलुलोज से बनी हुई होती है। द प्लांट बॉडी में बी थैलॉयड आर डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो पौधे की शरीर होगी वह थैलॉयड हो सकती है, थैलाकार हो सकती है, थैलॉयड हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रूट, स्टेम और लीव्स अलग अलग दिखता रहे, डिफ्रेंशिएटेड हो। तो प्लांट किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी प्लांट बॉडी या तो थैलॉयड होगी, थैलस के समान होगी, थैले के समान होगी, या फिर रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड होगी, सब कुछ क्लियर क्लियर दिखेगा। दे में भी नॉन वैस्कुलर और वैस्कुलर। नॉन वैस्कुलर हो सकते हैं मतलब कोई भी वैस्कुलर टिश्यू जाइलम या फ्लोएम नहीं होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों हों। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, जबकि ट्यूटोफाइट, जिम्नियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, थैलॉयड होते हैं, जबकि आगे जब हम ट्यूटोफाइट, जिम्नियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की ओर जाते हैं तो वहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स डिफ्रेंशिएटेड होती है। दे हैव टू स्टेज इन द लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में जो जीवन चक्र होता है यहाँ पे दो अवस्थाएँ होती हैं, अ हैप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट जनरेशन एंड अ डिप्लॉयड ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइटिक जनरेशन। पहला होता है हैप्लॉयड, ठीक है, इनमें हैप्लॉयड अवस्था होती है, अगुणित अवस्था। हैप्लॉयड को क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं हिंदी में। तो हैप्लॉयड जो होता है वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और गैमेटोफाइट जनरेशन उसको बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक, क्योंकि वो क्या करता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाता है, और जो कि जिसमें से गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है, बॉडी होती है, वह गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। बाद में ये गैमीट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के द्वारा फ्यूज करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी को बनाते हैं। जबकि जो दूसरा होता है डिप्लॉयड, जो डिप्लॉयड अवस्था होती है वह ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगी वह स्पोर्स बनाएगी, बाद में वे स्पोर्स नए गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को जन्म देंगे। तो दो अवस्थाएं आती हैं, हैप्लॉयड जो होगा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगा, जो डिप्लॉयड होगा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होगा। द टू जनरेशन अल्टरनेट, यहाँ पे दो पीढ़ियाँ होती हैं जो अलग अलग, गैमेटोफाइटिक वाला और स्पोरोफाइटिक वाला, ये बदलती रहती हैं, कभी स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक में कन्वर्ट होगा और गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक में कन्वर्ट होगा। एंड दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, या पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण। क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स, अब इसमें इसके अंदर क्या क्या आपको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय लिनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लिनियस ने दिया था। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंड्रोसियम कैरेक्टर्स। ये मुख्य रूप से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब बाहर से पत्ती, तना, इन सब पे बेस्ड था, और एंड्रोसियम कैरेक्टर्स जो मेल सेक्स ऑर्गन था उस पर बेस्ड था, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंड्रोसियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को गाइनोसियम बोलते हैं। तो जो लिनियस का क्लासिफिकेशन था वह वेजिटेटिव कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड था, कि बाहर से देखने में पौधा कैसा होगा, पत्ती कैसी होगी, तना कैसे होंगे, जड़ें कैसी होंगी, उसकी स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, और साथ में एंड्रोसियम कैरेक्टर्स स्ट्रक्चर मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वह दिखने में कैसा होगा। दिस आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू करेक्टरिस्टिक्स। इस आर्टिफिशियल सिस्टम ने बहुत सारे एक दूसरे के नज़दीकी संबंधी स्पीसीज को अलग कर दिया, क्योंकि यह केवल कुछ ही लक्षणों पर आधारित था। पर कुछ ही लक्षण है तो हो सकता है कि वे दो तीन लक्षण उसमें ना मिले, लेकिन बाकी के लक्षण उसमें हो सकता है थे, मौजूद थे, लेकिन इनके हिसाब से वे क्या थे, अलग ग्रुप्स में चले गए, उन्हें हटा दिया गया। दे गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाई एनवायरमेंट। इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब जड़, पत्ती, तना, पौधे की लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, इन सबको और सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं दोनों को बराबर महत्व दिया, जबकि ऐसा स्वीकार्य नहीं है, इस चीज़ को हम बराबर महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं मतलब पौधे की हाइट, पौधा हेल्दी है नहीं, ये इन्वायरमेंट के द्वारा अफेक्टेड होता है। भाई आप क्या करिए कि एक ही स्पीसीज के दो प्लांट्स लीजिए, दोनों को साथ में लगाइए, एक को खूब ढेर सारा न्यूट्रिएंट दीजिए, टाइम टाइम पे पानी दीजिए, सनलाइट इनफ मिले, तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जबकि दूसरे को
खाद मत दीजिए, पानी मत दीजिए, वो सूख जाएगा, एकदम पतला सा रहेगा, लगेगा छोटा पौधा। तो आप उसके आधार पर उनको अलग अलग तो नहीं कर सकते ना, स्पीसीज तो उनको सेम है ना। तो बस वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर को हम बराबर महत्व तो नहीं दे सकते। सेक्सुअल करेक्टर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वह करेक्टर उनके जीन्स से रिलेटेड है। अगला पॉइंट आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। यह एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। यह आपको याद रहना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम तो मोस्टली याद रहना चाहिए। इट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर्स नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। यह प्राणियों के बीच में जो प्राकृतिक संबंध है वह उस पर निर्भर करता है। इसमें केवल हम बाहरी लक्षणों को नहीं देखते बल्कि प्राणियों के अंदर के आंतरिक संरचना को, ठीक है, एनाटॉमी को देखते हैं, एम्ब्रायोलॉजी कि उनमें भ्रूणीय विकास कैसा है, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है, उनमें केमिकल्स का किस तरीके से आदान प्रदान हो रहा है। इन सभी लक्षणों को देख करके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन या प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। यह आज के टाइम एक्सेप्टेड सिस्टम है, स्वीकार्य है, हम इसको मानते हैं, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते भी हैं क्योंकि यह जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर निर्भर है, मतलब प्राणियों के बीच में जो विकासीय संबंध है उस पर निर्भर है। किस तरीके से एक छोटे प्राणी में इवोल्यूशन हुआ तो अगला बना, फिर नेक्स्ट बना, इस चीज़ पर निर्भर है। तो यहाँ से हमको एक बात पता चलती है कि कोई भी प्राणी अगर एक ही टैक्सा में रखा गया, ठीक है, अन्य अलग अलग ऑर्गेनिज्म को आप एक ही टैक्सा में रखते हो तो इससे बात ये पता चलती है कि उन सभी का जो एंसेस्टर था, उनके जो पूर्वज थे, वे कॉमन थे। जैसे हम स्पीसीज के बाद जीनस बनाते हैं, ठीक है, तो कई स्पीसीज को मिला के जीनस बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि जीनस में जितने भी प्राणी हैं उन सबके एंसेस्टर सेम थे। या जीनस के ऊपर फैमिली में आते हैं तो फैमिली में जितने ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उनके पूर्वज एक ही थे। या ऑर्डर में आ जाए तो ऑर्डर में जितने भी फैमिलीज हैं तो सबके पूर्वज एक ही थे, इसलिए उनको एक ही ग्रुप ऑर्डर में रखा गया। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड इजली कैरी आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है यह सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप जिसको बाहर से देख के महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उन लक्षणों पर आधारित है। हर लक्षण को एक नंबर और कोड दिया जाता है और उसके बाद हम डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हर करेक्टर को बराबर महत्व दिया जाता है, चाहे वो वेजिटेटिव हो चाहे सेक्सुअल हो, और एक ही समय पे आप सैकड़ों लक्षणों की गिनती कर सकते हैं कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके। कि आप कंप्यूटर में उस प्राणी के लिए जो नंबर ऑफ कोड्स है उसको डाल दोगे और उसके बारे में जो भी करेक्टर्स होंगे एक साथ सभी क्या होंगे, प्रोसेस होंगे और बता देगा कि यह किस ग्रुप में या किस क्लास में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है काइटो टैक्सोनॉमी। इट इज़ बेस्ड ऑन काइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सच एज क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। साइटो टैक्सोनॉमी जो है यह साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उस पर निर्भर करता है। जो साइटो टैक्सोनॉमी होती है उसको हम सेल के लेवल पर देखते हैं। अगला पॉइंट आता है कीमो टैक्सोनॉमी। इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स। या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर निर्भर करता है कि पौधों के अंदर कौन कौन से रासायनिक घटक हैं और उसके आधार पर हम अपने संदेह को दूर करते हैं। किंगडम प्लांटी शोज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ विच इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर डिविजन्स। किंगडम प्लांटी में बहुत ज़्यादा हमको विभिन्नता देखने को मिलती है, इस वजह से हम इसको चार डिविजन्स में रखते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा एंड स्पर्माटोफाइटा। स्पर्माटोफाइटा में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिप्टोगैमी एंड फेनोगैमी। इन 1830
1833 में आइक्ला डिवाइडेड द किंगडम प्रांटी इंटू टू सब किंगडम्स, क्रिप्टोगेमी एंड फेनोगेमी। आइक्लर ने किंगडम प्रांटी को दो सब किंगडम में डिवाइड किया, ठीक है, जिसको नाम दिया क्रिप्टोगेमी एंड फेनोगेमी। सबसे पहले हम सब किंगडम क्रिप्टोगेमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रीक में क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गेमस का मतलब होता है मैरिज, मतलब जिनमें सीड जो है वह दिखता ना हो, छिपा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। दिज इंक्लूड लोअर प्लांट्स दैट डू नॉट बियर फ्लावर आर सीड, ऐसे इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं, निचले स्तर के पौधे आते हैं जिनमें फ्लावर या सीड नहीं होते हैं, जिनमें फ्लावर या सीड नहीं होते हैं, वैसे पौधे क्रिप्टोगैमी में आते हैं। एंड दे आर नोन एज सीडलेस प्लांट्स, इनको हम सीडलेस प्लांट्स कहते हैं, बीज रहित पौधे कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वे पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होते हैं। द एम्ब्रायो इफ प्रेजेंट इज नेकेड एंड कॉल्ड स्पोर्ट्स, अगर एम्ब्रायो भ्रूण मौजूद भी होता है तो नेकेड होता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है और उसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। इट इंक्लूड्स थ्री डिविजन्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैमी में तीन डिविजन शामिल हैं, थैलोफाइटा जो कि एल्गी का है, फिर ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब आता है सब किंगडम फेनोगैमी। तो ग्रीक में फेनो का मतलब होता है बीजबल और गैमस मतलब मैरिज, मतलब जिनमें सीड्स या फ्लावर बीजबल होते हैं उन्हें फेनोगैमी में रखा जाता है। दीज इंक्लूड प्लांट दैट वियर्स फ्लावर्स एंड सीड्स, इसमें ऐसे पौधे आते हैं, ठीक है, जिनमें फ्लावर और फूल होते हैं, जो फूल और बीज धारण करते हैं। द प्लांट बॉडी इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू रेट स्टेम लीव्स एंड रूट्स, जो पौधे का शरीर होता है वह उसमें ट्रू स्टेम रूट और लीव्स होती है, मतलब वास्तविक तना पत्ती और जड़ें होती हैं। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज सीड, सीड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें जो मुख्य जनन के लिए अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वह क्या होता है, सीड होता है, उसी से इनमें रिप्रोडक्शन होता है, वही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सीड्स ऑफ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बीज हमेशा लैंगिक जनन के पश्चात ही बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात ही बीजों का निर्माण होता है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर इन साइड द ओवरी एंड डेवलप इन टू सीड, मेल और जो फीमेल गैमेट होते हैं ओवरी के अंदर फ्यूज करते हैं, फ्लावर के फीमेल पार्ट को ओवरी कहा जाता है, मतलब फ्लावर का जो मादा अंग होता है, ठीक है, मादा लैंगिक अंग होता है, वही फ्लावर, उसे हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर ही सीड का विकास होता है। इन सम प्लांट्स सीड इज नॉट प्रोड्यूस इन साइड एन ओवरी, कुछ पौधों में सीड जो है वह ओवरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। इट इंक्लूड्स अ सिंगल डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोफाइट, और इसमें एक ही डिवीजन आता है स्पर्मेटोफाइट, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। अब हम बात करेंगे डिवीजन थैलोफाइटा की। तो ग्रीक में थैलस शब्द का मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएटेड, अविभाजित, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, मतलब जिसमें प्लांट का शरीर अविभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं। प्लांट्स ऑफ दिस डिवीजन कंप्राइज द सिंपलेस्ट प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, इस डिवीजन के पौधों में ऐसे साधारण पौधे आते हैं जिनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होती, अच्छे से ट्रू स्टेम लीफ नहीं दिखता है। द बॉडी डिजाइन इज सिंपल, शरीर की जो संरचना होती है, जो आकार होता है वह साधारण होता है, मतलब स्टेम रूट और लीफ्स नहीं होते हैं, और हम इसको थैलस कहते हैं, इनके शरीर को हम थैलस कहते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। थैलोफाइटा इंक्लूड्स अ सिंगल सब डिवीजन ऑफ एल्गी, और इसमें एक ही सब डिवीजन है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं एल्गी की। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बहुत फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स। एल्गी क्लोरोफिल धारण करने वाले, क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, साधारण होते हैं देखने में, थैलॉइड होते हैं, मतलब टूरिस्ट स्टेम रूट और लीव्स नहीं पाई जाती, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और पूरी तरीके से क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और मेराइन वाटर मतलब साफ स्वच्छ जल में भी रहते हैं, और खारे पानी वाले जल में भी रहते हैं, समुद्री जल में भी रहते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, दूसरी भी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, गीले पत्थरों पे, सॉइल्स, मिट्टी में, लकड़ियों पे। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगाई, लाइकेन एंड एनिमल्स,
एजियम सॉफ्टवेयर। कुछ एल्गी जो हैं ये फंगाई के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सजीवी साहचर्य, ठीक है, सजीवन, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। और कुछ एल्गी एनिमल्स के शरीर पर भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि स्लॉथवियर के शरीर पर एल्गी पाया जाता है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक बल्बोक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक इरोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। इनका जो रूप होता है, आकार जो होता है, यह बहुत ही विभिन्न होता है। आपको कॉलोनी, इनका कॉलोनी रूप देख सकता है, मतलब छोटे छोटे क्या होंगे, ढेर सारे कॉलोनी बना के रह सकते हैं, जैसे कि बल्बोक्स के अंदर होता है। फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिलेगा, तंतु की तरह, रेशे की तरह इनके कुछ रूप होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक्स और स्पायरोगायरा। अ फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म सच एज केल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। कुछ समुद्री रूप हैं जैसे कि केल्प है, जो कि बहुत ही विशालकाय शरीर वाला होता है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड्स। एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है, कायिक जनन होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। तो इनमें रिप्रोडक्शन तीन तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, इच फ्रेगमेंट डेवलप्स इंटू अ थैलस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, वीक खंडन के द्वारा होता है, मतलब जो एल्गी होता है वह कई टुकड़ों में टूट जाता है और सारे टुकड़े जो हैं वे नए एल्गी के रूप में विकास कर जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, द मोस्ट कॉमन बींग द जू स्पोर्ट्स। दे आर फ्लैजेलेटेड, मोटाइल एंड डाउन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। हर जो टुकड़ा होता है वह थैलस के रूप में उग जाता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। सबसे जो कॉमन इनमें स्पोर फॉर्मेशन है वह क्या है, जू स्पोर है। सबसे जो कॉमन मेथड है वह जू स्पोर है। तो इनमें जो सबसे कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन का, वह जू स्पोर्स के द्वारा होता है। ये फ्लैजेलेटेड होते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं, इनमें चलने के लिए फ्लैजेला पाया जाता है। और जब ये जो स्पोर्ट्स जर्मिनेट करते हैं, उगते हैं, तो नया प्लांट, न्यू एल्गी बन जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा दो गैमिट्स के संलयन से, फ्यूजन से ही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दीज गैमिट्स कैन बी फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन इरोथ्रिक्स। ये फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, फ्लैजेला होगा, मतलब ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे, चलायमान होंगे, क्योंकि जो चलते हैं उनमें ही फ्लैजेला पाया जाता है। तो ये गैमिट्स क्या हो सकते हैं, फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज, और आकार में बराबर हो सकते हैं, जैसे कि यूरेथ्रिक्स में होता है। और नॉन फ्लैजेलेटेड, नॉन मोटाइल हो सकते हैं और साइज में सिमिलर हो सकते हैं एज इन स्पायरोगायरा। मतलब फ्लैजेला नहीं होगा गैमिट्स के पास, ठीक है, नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन आकार में, नाप में बराबर होंगे स्पायरोगायरा में, जैसे होता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, और ऐसे प्रजनन को हम आइसोगैमस बोलते हैं। आइसो मतलब समान, गैमस मतलब गैमिट्स। जब गैमिट्स सिमिलर इन साइज होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोगैमस बोलते हैं। हाँ, अभी हो सकता है कि वे मोटाइल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट सिमिलर इन साइज हैं तो आइसोगैमस हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना स्टम्ड एज इन आइसोगैमस। दो गैमिट्स का फ्यूजन होगा जब ये डिसिमिलर इन साइज होंगे, मतलब आकार में बराबर नहीं होंगे, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। जब ऐसी कंडीशन होगी, जैसे कि यूडोरिना के कुछ स्पीसीज में होता है, तो उसे हम एनाइसोगैमस कहेंगे, ठीक है। आइसोगैमस मतलब समयुग्मकी, समयुग्मक, और एनाइसोगैमस मतलब विषमयुग्मक, असमयुग्मक, मतलब बराबर नहीं है। जब गैमिट्स बराबर नहीं है तो उसे क्या बोलोगे, एनाइसोगैमस बोलोगे। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट इज टर्म्ड ओगैमस। यहाँ एक तीसरा भी तरीका होता है कि जब एक बड़ा नॉन मोटाइल हो, ठीक है, बड़ा हो और नॉन मोटाइल मतलब चल ना सकने वाला स्थिर फीमेल गैमिट हो, और छोटा चलायमान मेल गैमिट हो, छोटा हो, मोटाइल हो, चल सकने वाला मेल गैमिट हो, तो उनके फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, ओगैमस बोलते हैं, जो कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखने को मिलता है। हम ओगैमस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओगैमी, इट रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स विच आर बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। यहाँ पे ऐसे गैमिट्स होते हैं, गैमिट्स का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली संरचना में भी और फिजियोलॉजिकली बॉडी की उसमें भी
अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन द मेल गैमेट इज यूजुअली रेफर टू एज एंथेराइजॉइड विच इज यूजुअली मोटाइल एंड स्मॉलर इन साइज एंड द फीमेल गैमेट विच इज यूजुअली नॉन मोटाइल एंड बिगर इन साइज इज रेफर टू एज एग। यहाँ पे होता है कि जो मेल गैमेट होता है वह सामान्यतः उसको हम एंथेराइजॉइड बोलते हैं, जो कि मोटाइल होता है और साइज में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, जबकि फीमेल गैमेट जो होती है नॉन मोटाइल होती है, बड़ी होती है और उसको हम एग कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस द एंथेराइजॉइड्स इज कॉल्ड एंथेरिडियम। वह सेक्स ऑर्गन लैंगिक अंग जिनसे एंथेराइजॉइड प्रोड्यूस होता है, निकलता है, उसे एंथेरिडियम बोलते हैं। और एंड द एग इज प्रोड्यूस्ड इन उगोनियम, और एग जो है वह उगोनियम से प्रोड्यूस होता है। द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ एंथेराइजॉइड एंड एग इज कॉल्ड जायगोट। एंथेराइजॉइड और एग के फ्यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम जायगोट बोलते हैं। द जायगोट में जर्मिनेट डायरेक्टली आफ्टर मियोसिस और में प्रोड्यूस मियो स्पोर्स विच इन टर्न विल जर्मिनेट इज इवॉल्व ऑफ फ्यूकस। अब जायगोट सीधे सीधे मियोसिस के बाद जर्मिनेट कर सकता है नए पौधे के रूप में, या हो सकता है कि वह मियो स्पोर्स प्रोड्यूस करे जो कि बाद में जर्मिनेट करें। एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो उगामी को थोड़ा डिटेल में देखा हमने। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी हैव डाइवर्स इकोनॉमिक यूजेज। अगर हम आर्थिक इकोनॉमिक यूज की बात करें, उपयोग की बात करें, तो एल्गी के अनेकों आर्थिक महत्व हैं और उपयोग हैं। दे परफॉर्म हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ बाई फोटोसिंथेसिस एक्टिंग एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। इस अर्थ पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसमें से आधा क्या करते हैं, एल्गी करते हैं फोटोसिंथेसिस दौरान। क्योंकि पता है ना, टू थर्ड वाटर, तो हमारा जो अर्थ का टू थर्ड पार्ट है वह वाटर से ढका हुआ है, मतलब क्या है, समुद्र है। और उन सभी समुद्र में क्या पाया जाता है, एल्गी पाया जाता है ढेर सारी मात्रा में। तो इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से पृथ्वी पर जितना फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के द्वारा, उसमें से आधा कौन करता है, एल्गी ही करता है। क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट्स जलीय आवासों में प्राइमरी प्रोड्यूसर उत्पादक कौन है, एल्गी है। समुद्रों में जो सबसे बड़ा उत्पादक है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, एल्गी है। फूड सोर्स। मेनी स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी सच एज पोरफायरा सर्गेसम एंड लेमिनेरिया आर एडिबल। क्लोरेला एंड स्पायरुलिना रिच इन प्रोटीन्स, दस दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। बहुत सारे स्पीसीज हैं समुद्री एल्गी की, जैसे कि पोरफायरा है, सर्गेसम है और लेमिनेरिया है। ये क्या है, खाने योग्य हैं। क्लोरेला और स्पायरुलिना ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम उनको फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंस। अगार इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज एंड आइसक्रीम। अब इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, अगार एक ऐसा एल्गी है जिसका उपयोग हम जेली और आइसक्रीम बनाने में करते हैं। इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्लैसलेरिया। अगार को हम जेलिडियम और ग्लैसलेरिया से प्राप्त करते हैं। कैराजीन इज यूज्ड इन एज एन इमल्सीफायर इन चॉकलेट्स पेंट्स एंड टूथपेस्ट। इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द रेड एल्गी। कैराजीन का इस्तेमाल इमल्सीफायर के रूप में किया जाता है चॉकलेट में, पेंट में और टूथपेस्ट मंजन में। इसको हम रेड एल्गी से प्राप्त करते हैं। एल्जीन फ्रॉम लेमिनेरिया प्यूकस एंड सार्गेसम इज यूज्ड इन स्टेबलाइजिंग इमल्सन्स। इट मीन्स हैविंग शेविंग क्रीम, शैम्पूज, आइसक्रीम एटसेट्रा। एल्जीन जो है कि लेमिनेरिया फ्यूकस और सार्गेसम से मिलता है। इसका इस्तेमाल हम इमल्सन्स को स्थिर करने के लिए करते हैं, जैसे कि शेविंग क्रीम है, शैम्पू है, आइसक्रीम से। मेडिसिंस। मेनी रेड एल्गी सच एज कोरेलिना आर यूज इन ट्रीटिंग वर्म इन्फेक्शन। बहुत सारे रेड एल्गी जैसे कि कोरेलिना है, इसका इस्तेमाल हम वर्म इन्फेक्शन का इलाज करने में करते हैं। अब आता है क्लास फर्स्ट क्लोरोफाइसिया। एल्गी का पहला क्लास क्लोरोफाइसिया। द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसिया आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। इसके जो सदस्य होते हैं क्लोरोफाइसिया के, उनको हम सामान्यतः ग्रीन एल्गी कहते हैं। प्लांट बॉडी जो होता है, पौधे का जो शरीर होता है, एक कोशिकीय होता है, कॉलोनियल होता है या फिलामेंटल होता है। या तो एक कोशिका वाले होंगे, या तो कॉलोनी बना के रहने वाले होंगे, या फिलामेंट बना के रहने वाले होंगे, ठीक है, एक साथ। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ये दिखने में क्या होते हैं, ग्रास ग्रीन होते हैं, हरे कलर के होते हैं, जैसे घासें होती हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। ये जो पिगमेंट्स हैं वे निश्चित क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइट प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पायरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का जो
आकार है, शेप है, वह अलग अलग होगा। जैसे कि डिस्क की तरह गोलाकार हो सकती हैं, प्लेट की जैसी हो सकती हैं, रेटिकुलेट जाल की तरह हो सकती हैं, कप के आकार की हो सकती हैं, स्पाइरल स्पाइरेलियम की तरह सर्पिलाकार हो सकती हैं, रिबन शेप हो सकती हैं। ये अलग अलग स्पीसीज में इनके अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन आर मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। इनके क्लोरोप्लास्ट में ज़्यादातर मेंबर्स के पास एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज होता है, पायर जिसको हम पायरेनोइड्स कहते हैं, और उसमें स्टार्च को स्टोर किया जाता है। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, इनमें स्टार्च के अतिरिक्त प्रोटीन भी पाया जाता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो कि अपने फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स तेल की बूंदों के रूप में स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ग्रीन एल्गी में एक रिजिड कठोर सेल वॉल होती है जिसके अंदर की परत जो है सेलुलोज की बनी होती है और बाहर की परत पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सामान्यतः फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है, या कभी कभी इसमें अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स बीजाणु बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर के द्वारा होता है, आपने पहले भी पढ़ा है, जो कि ज़ूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है। मतलब ज़ूस्पोर्स इनके शरीर पे में ज़ूस्पोरेंजिया होता है, उसमें से ज़ूस्पोर्स निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्सेस एंड इट मे बी एन आइसोगैमस एन आइसोगैमस ओगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी भिन्नता होती है उनके सेक्स सेल्स के प्रकार में और उनके निर्माण में। ये तीन तरह के हो सकते हैं, आइसोगैमस एन आइसोगैमस और ओगैमस, जिसको पीछे हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। पीछे बताया गया कि आइसोगैमस क्या होता है, एन आइसोगैमस क्या होता है, ओगैमस क्या होता है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा आर क्लेमाइडोमोनास बल्बोक सिलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा एंड कारा। ग्रीन एल्गी के जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वे क्या हैं, क्लेमाइडोमोनास हैं, बल्बोक्स हैं, इलोथ्रिक्स हैं, स्पायरोगायरा हैं और कारा हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछ लेता है कि कौन कौन से इसमें क्लोफाइसिया के एग्जाम्पल हैं और ग्रीन एल्गी हैं। अब आता है फियोफाइसिया। द मेम्बर्स ऑफ द फियोफाइसिया आर ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मेराइन हैबिटेट्स। जो फियोफाइसिया के सदस्य होते हैं जिन्हें हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से मेराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये अपने साइज आकार और रूप में बहुत ज़्यादा भिन्नता दिखाते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स एक्टोकॉर्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाई कैप्स विच मे बी रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। इनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है, जैसे कि सिंपल एकदम साधारण होंगे, या तो साधारण शाखित होंगे, ब्रांच में शाखित जिनमें शाखाएँ हों, या ऐसा सोचता है कि फिलामेंटस फॉर्म्स हों, तंतु वाले ढेर सारे रेसे जैसे इनमें इनके रूप हैं, जैसा कि इक्टोकार्पस होता है, या ऐसा भी सोचता है बहुत ज़्यादा शाखित हों, और जैसे कि केल्प होता है विशालकाय, जिसकी हाइट 100 मीटर तक होती है, मतलब तो इतना बड़ा होता है कि कभी कभी इन एल्गियों में बड़ी बड़ी शिप्स फंस जाती हैं, उनका जो नीचे वाला होता है टर्बाइन जो घूमता है उन्हें मूव कराने के लिए, उसमें फंस जाता है और अंत में सिर्फ डूब जाती है। दे पॉजेज क्लोरोफिल ए सी कार्टिनोइड्स एंड जैंथोफिल्स। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सी पाया जाता है, कार्टिनोइड्स पाया जाता है और जैंथोफिल पाया जाता है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट फिकोजिंथिन प्रेजेंट इन इट। इनका जो कलर होता है ठीक है, वह ऑलिव ग्रीन से लेके भूरे के अलग अलग शेड्स में हो सकता है, डिपेंड करता है कि जैंथोफिल या फिकोजेंथिन की मात्रा कितनी है उस एल्गी के अंदर। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच में भी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनरीन और मेटॉल। भोजन जो है वह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जो कि लेमिनरीन या मेटॉल के रूप में होगा। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाई अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। की जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, उन पे सेलुलोज की सेलवाल होती है, जो कि बाहर की तरफ से एक जिलेटिनस कोटिंग होती है, उसके ऊपर एल्गिन की एक परत चढ़ी होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड के सिवाय बीच में एक वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्टेटम बाई होल्ड फास्ट एंड एज अ स्टॉक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट। पौधे का जो शरीर होगा वह
आधार से जमीन से होल्ड फास्ट के द्वारा जुड़ा होता है, उसमें एक स्टाक होता है, स्टाइप होती है, लीफ लाइक पत्ती की तरह फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन जो है वह विखंडन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाई फ्लैजलेट स्पोर्स दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजला। इनका जो अलैंगिक जनन होता है ज्यादातर ब्राउन एल्गी में वह बाई फ्लैजलेट दो फ्लैजला वाले जूस्पोर के द्वारा होता है जो कि पियर शेप की होती हैं, नाशपाती के शेप की होती हैं, और इनमें दो अनइक्वल मतलब दोनों बराबर नहीं होते, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, लेटरली अटैच फ्लैजला होते हैं, अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजला पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, इनआइसोगैमस और ओगैमस। लैंगिक जनन जो होता है वह आइसोगैमस के द्वारा होता है, इनआइसोगैमस के द्वारा होता है और ओगैमस के द्वारा होता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम। गैमेट्स का जो संलयन है वह वाटर के अंदर हो सकता है या ओगोनियम के अंदर भी हो सकता है, मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। गैमेट्स आर पायरीफॉर्म। जो गैमेट्स होते हैं वे पियर शेप के होते हैं, नाशपाती के आकार के होते हैं, उनमें दो लेटरली अटैच फ्लैजला होता है। कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस। इनके जो कुछ सामान्य रूप हैं एक्टोकार्पस हैं, डिक्टियोटा हैं, लेमेरिया हैं, सार्गसम है और फ्यूकस है। एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। थर्ड क्लास आता है रोडोफाइसिया। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसिया आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन इन देयर बॉडीज। कुछ मेंबर्स जो हैं रोडोफाइसिया उनको रेड एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट और आर फाइकोरिथ्रिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्म एरियाज। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रेड एल्गी होती हैं वे मेराइन होती हैं, समुद्री होती हैं, उनकी जो ज़्यादातर मात्रा है वह गर्म क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दे अगर इन वॉथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशंस वेयर रिलेटिवली लिटल लाइट पेंटेड। ये सतह पर भी पाई जा सकती हैं और समुद्र के एकदम गहराई में भी पाई जा सकती हैं जहाँ पर बहुत ही कम सूर्य की रोशनी पहुँच पाती है, तो ये दोनों ही जगहों में मौजूद होती हैं। रेड थैली ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो रेड थैलस होती है ज़्यादातर रेड एल्गियों की, वे क्या होती है मल्टी सेलुलर होती है, बहुकोशिकीय होती है। इनमें इनके कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जटिल शारीरिक संगठन होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एम्लोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। फूड जो होता है भोजन होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है जो कि एम्लोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा ही संरचना में होता है, संरचना में एम्लोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान ही होता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर मतलब बिना फ्लैजला वाले स्पोर के द्वारा होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस होता है एंड एकॉम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोर्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और उसके बाद क्या होता है काफ़ी जटिल फर्टिलाइजेशन के बाद वाला विकास होता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया पोरफायरा ग्लैसलेरिया एंड जेलेडियम। इसके जो मुख्य सदस्य हैं वे क्या हैं पॉलीसिफोनिया है पोरफायरा है ग्लैसलेरिया है और जेलेडियम है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने प्लांट किंगडम का जो पहला क्लास था एल्गी, ठीक है, उसे हमने कंप्लीट किया एल्गी को। अब अगले आने वाले जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे वहाँ पे हम राफाइटा टेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, हमें रियलाइज हो कि हाँ आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबको अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगा कि आप पढ़ाई करिए और हम आपके साथ हैं, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।